फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वाइन फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने टेरेस पे पॉट पे लगा के रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लैंड स्पेस हो, और यही सोचते हुए हम काफ़ी बार ऐसे पौधे नहीं लगाते हैं, क्योंकि लैंड स्पेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, नो डाउट। बट मैं ऐसे ही पौधे शेयर करूँगी जिससे कि आप पॉट में भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं और अच्छी खासी फ्लावरिंग आप पॉट में लगा के भी पा सकते हैं। तो ये कुछ वाइन जिसे कि आप इस टाइम रेनी सीजन में परचेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ इस टाइम काफ़ी अच्छी होती है और आसानी से ये सारे पौधे आपको इस टाइम नर्सरी में मिल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लांट जो है वो है ये, आप देख सकते हैं, ये है एलामांडा का ये पॉपुलिस कलर वाला फ्लावर। ये एक्चुअली वाइन तो नहीं होता है, लेकिन इसकी टहनियाँ काफ़ी लंबी लंबी होती है, ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। अगर इसे आप कटिंग प्रूनिंग करते रहें तभी आप इसे बुशी लुक में रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी ऊँचे हाइट तक जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इसके पॉट रखा हुआ है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है, और बारिश के मौसम में इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होने लगी है। डेली बेसिस पे 5-7 फ्लावर रोज़ खिल जाते हैं। कुछ तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए तोड़ भी लिया गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अभी भी प्लांट में काफ़ी सारे फूल लगे हुए भी हैं। तो बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। और प्राइस की बात करें तो नर्सरी में फ्रेंड्स ये प्लांट आपको 60 या 80 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। और मेरे पास ये प्लांट लगभग 3 साल पुराना है। मैं जैसे ही इसका सीज़न ऑफ हो जाता है, यानी विंटर सीज़न में इसका सीज़न ऑफ हो जाता है और जब बाहर का मौसम आता है तब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ग्रोथ स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, जिससे कि इसमें ढेर सारे ब्रांचेस निकले और इसे मैं थोड़ी नीची हाइट में रख के ढेर सारे फूल पा सकूँ। अदरवाइज़ आप इसे चढ़ा के ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं और एक वाइन के रूप में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला प्लांट हुआ ये एलामांडा का प्लांट, जो कि है ये पर्पलिश कलर वाला। दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स बोगनविला। आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे बोगनविला के प्लांट है, जो कि काफ़ी ऊंची-ऊंची हाइट में चला गया है। अभी तक मैंने बोगनविला के प्लांट को बुश के रूप में ही ग्रो किया है, और हमेशा ही आपने मेरे गार्डन में बोगनविला की हाइट जो है वो कम ही पाई होगी। लेकिन अब मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे क्लाइंबिंग की तरह ऊपर की ओर चढ़ाऊँ। आप देख सकते हैं मेरे जो यहाँ पर टेरेस का जो वॉल है वहाँ से भी पार हो रहा है, तो मैं इस बार इसे चढ़ाते हुए ऊपर की ओर क्लाइंबिंग की तरह ग्रो कर रही हूँ, और कुछ में तो फूल आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो बारिश के मौसम में इस प्लांट को भी आप परचेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस टाइम आप ग्रो करिए, क्योंकि इस टाइम भले फूल कम आते हो बारिश के मौसम में, लेकिन इस टाइम इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करने लगता है। तो आप बोगनविला के प्लांट को भी लगा सकते हैं, इसमें कई सारे कलर भी आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक वाइट कलर का भी है मेरे पास, और पिंक और ऑरेंज कलर का भी है। और हाल ही में मैंने एक न्यू प्लांट ऐड किया है, जो कि है ये, आप देख सकते हैं ये है पिंक कलर का ही, लेकिन ये बड़े फूल वाला है। तो बोगनविला के प्लांट को भी आप नर्सरी से इस टाइम परचेस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्राइस जो होती है इस टाइम 50 या 60 रुपीस ही होती है। इस टाइम नर्सरी में प्लांट काफ़ी हद तक आपको सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में, क्योंकि कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए प्लांट के प्राइस भी बारिश के मौसम में बहुत कम होता है, और आप इस टाइम ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में ऐड भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर में जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है रंगून क्रीपर, यानी ये आप मधुमालती का प्लांट आप देख सकते हैं। इसमें मेरे फूल तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है खिलना, बट ये प्लांट बारिश के मौसम में काफ़ी हेल्दी हो चुका है, काफ़ी घना हो गया है। आप देखेंगे इसमें आप बर्ड्स भी आना स्टार्ट होने लगा है, इसके फूलों से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। इसमें ड्वार्फ वेराइटी का भी आता है, जो कि छोटे हाइट में रहता है, बहुत ऊंचे लंबे क्लाइंबिंग की तरह नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके फूलों में खुशबू थोड़ी कम होती है। और ये जो देसी वाली वेराइटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है,
और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। और जब फूल खिलते हैं तो इसमें फूल भी बहुत अधिक मात्रा में आता है। और जब फूल खिल रहे होते हैं तो फूलों की जो खुशबू है वो काफ़ी दूर तक महसूस होती रहती है, इतनी अच्छी इसकी फूलों से खुशबू आती है। तो आप ये रंगून क्रीपर यानी ये मधुमालती के पौधे को आप लगा सकते हैं, जिससे कि इस टाइम आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और गार्डन में एक बहुत ही अच्छा सा लुक इस प्लांट से भी क्रिएट हो जाता है। इसके फूल कैसे हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसके फूल कैसे दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को भी इस टाइम लगा सकते हैं। ये आप मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट आप मेरे देख सकते हैं, अभी तो फूल खिला हुआ नहीं है क्योंकि इसके फूल मॉर्निंग के टाइम पर ही खिलते हैं और ये इस टाइम बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है, बहुत ही अच्छी इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को भी मिल जाएगी। ये प्लांट फ्रेंड्स परमानेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एक बार लगाने के बाद फिर बार बार नहीं लगाना पड़ता है। लास्ट ईयर मैंने ये प्लांट लगाया था और ये इस साल मेरे खुद ब खुद ही ये प्लांट निकल आया। आप चाहे तो इसमें सीड्स बनते हैं, उस सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं और गर्मियों का मौसम जब स्टार्ट होता है यानी स्प्रिंग सीजन में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे फ्लावर इसमें से पा सकते हैं। अच्छे फूल इसमें बारिश के मौसम में ही दिखने को मिलता है, जब हवा में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो इसमें फूल भी काफ़ी अच्छे खिलते हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। तो इसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर नर्सरी से परचेज़ करने जाएंगे तो ये लगभग 80-100 रुपीज़ के आसपास इसका बना हुआ अच्छी खासी ग्रोथ लिया हुआ पौधा आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसके सीड्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ये एलामंडा का ये वाला पौधा, जो येल्लो वाइन वाला पौधा है फूलों वाला, ये परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे काफ़ी दूर में है इसीलिए मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ। तो ये वाला पौधा भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है और इस टाइम बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही होती है और फूल भी काफ़ी अच्छे इसमें आते हैं और आप ढेर सारे फूल इसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे। येलो कलर के फूल इसमें खिलते हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी फास्ट ग्रोथ होती है, क्लाइंबिंग की तरह ऊपर चढ़ता है। किसी भी सपोर्ट से आप इसे चढ़ाइए ऊपर की और ये दिखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है। काफ़ी ढेर सारी क्वांटिटी में इसमें फूल भी आते हैं और ग्रो और केयर भी बहुत खास नहीं करनी पड़ती है और मिनिमम से केयर में ग्रो होने के लिए ये जो एलामंडा का येलो वाला पौधा है ये बहुत ही अच्छा है। ये वाइन की तरह ही ग्रो होता है, इसीलिए ये एक अलग वेराइटी है, बुश वाली वेराइटी नहीं है। इसे कम्प्लीट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे अपने शेडी एरिया के ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ इस तरह से ग्रो कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ से दूर से इसे फोकस करके दिखा रही हूँ क्योंकि नज़दीक से ये मेरे एकदम से छिपा हुआ है, दिखता ही नहीं है, बाहरी पोर्शन से ये दिखाई पड़ता है। काफ़ी अच्छी मेरे बारिश के मौसम में इसमें ग्रोथ हो रही है और ढेरों फूल रोज़ खिलते हैं रोज़, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपराजिता के पौधे को लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपराजिता का पौधा, जो मेरे ये एलामंडा के प्लांट में ही साथ ही साथ इसी पॉट में ही ग्रो हो रहा है। आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। मेरे इसमें दो तरह के फूल खिलते हैं, एक ब्लू कलर का और एक पर्पल कलर का, पर्पलिश पिंक कलर का, दो कलर का फूल खिलता है। आज मेरे फूल खिला हुआ नहीं है, इसका एक वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग होती है और आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स जो है ऊपर के पोर्शन में देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ बन भी रहे हैं क्योंकि ये प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ग्रो होता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करता है। तेज़ धूप में भी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और सेमी लाइट में भी। सीड से ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इसमें जो फलियां बनती है वो कुछ मटर के दानों की तरह होती है फलियां, और मटर की फलियां जो होती है उस तरह की होती है और बहुत ही इजीली इसके सीड्स ग्रो भी हो जाते हैं। विद इन 10-15 डेज में इसके सीड्स ग्रो भी हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इसके अपराजिता के सीड्स भी ग्रो किए हैं। तो बारिश के मौसम में ये प्लांट ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है, बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ भी हो जाती है और फूल भी बहुत जल्दी जल्दी इसमें ढेरों खिलने लगते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स भी इसमें बन रहे हैं और काफ़ी अच्छा सा लुक आपके गार्डन में ये प्लांट देता है। मिनिमम से केयर में आप इस अपराजिता के पौधे को लगा सकते हैं, बहुत ही सुप पौधा भी होता है। और प्राइस की बात करें तो ये प्लांट अगर बना हुआ पॉट में लगा हुआ लेंगे तो 100 रुपीज़ के आसपास मिलता है, अदरवाइज़ आप इसके सीड्स परचेज कर सकते हैं या फिर 30-40 रुपये में आप छोटा पौधा इसका परचेज़ कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स मेरे गार्डन में एक न्यू एडिशन प्लांट है जो कि है ये येलो एलामांडा का प्लांट। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेता है, बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। ये मैंने संडे को ही परचेज करके मैं लेके आई हूँ और इसे मैंने 100 रुपीज़ में परचेज किया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और फूल भी ढेर सारे खिले हुए थे, लाते हुए ढेर सारे फूल टूट के गिर गए, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। न्यू एडिशन है, काफ़ी एक वाइब्रेंट सा कलर है, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी आप चाहें तो इसे कटिंग प्रूनिंग करके बुश की तरह रख सकते हैं या फिर बाइंग की तरह चढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक प्लांट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है मांडाविला की व्हाइट वाली वेराइटी, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी खूबसूरत इसके फूल आते हैं। ये भी मेरा न्यू एडिशन है, इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो ढेर सारे फूल इसमें थे जो सारे झड़ गए हैं। अब फिर से बर्ड्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये वाला फूल खिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है बारिश के मौसम में। तो इस टाइम इस तरह के पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि बहुत ही एक अच्छा सा लुक, एक अलग सा लुक आप अपने गार्डन में क्रिएट कर सकें। तो ये जो क्लाइंबिंग प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किए फ्रेंड्स, ये सारे ही पौधे बहुत ही ईजी टू ग्रो है, हार्डी है और आसानी से आपको इस टाइम नर्सरी में मिल जाएंगे, जिसे कि आप अपने गार्डन में ऐड करके गार्डन की खूबसूरती को इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ही पौधे को फ्रेंड्स आप अपने टेरेस पे पॉट में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।